टॉकिंग अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968, ठीक है। तो आज हम 1968 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 है, देखिए आपका इस तरह से आप देखिए तो 1968 में आया, उसके बाद 1986 में आया, फिर 2020 में आया। तो ये क्या है कि सबसे पहले ये था, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले आपका कोठारी कमीशन आया था जो कि 1964 का था, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ देखो तो आपको इससे पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं शुरुआत कैसे हुई और क्या आखिर था 1968 की बातें। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो कोठारी कमीशन था वो 1961 से लेकर 66 तक था और मेनली जो था वो 1964 था, ठीक। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो रिपोर्ट है 1966 में मतलब प्रस्तुत की गई, उसके 9 महीने बाद 1967 में इसको सदस्यों के गठन हुए और इसमें बैठे लोग। इसमें कोठारी कमीशन में हुआ क्या था कि इसमें क्या दिया गया था कि पहला काम क्या दिया गया, पहला काम ये दिया गया कि लोग वहाँ पहले कि लोग वहाँ बैठे, ठीक है। पहला कोठारी कमीशन द्वारा सुझाव दिया गया, ये पहला काम था। दूसरा काम था कि आपको ड्राफ्ट बनाने का काम दिया गया। और फिर तीसरा क्या काम दिया गया, तीसरा काम दिया गया कि किस तरह से कार्य करना है, उसकी मतलब उसके रूपरेखा करनी थी, ठीक है। तो पहला हमने कोठारी कमीशन से सुझाव लिया, दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने कि राष्ट्र की नीति बनाई मतलब ड्राफ्ट बनाया, प्रारूप बनाया। और तीसरा क्या काम दिया गया, तीसरा काम ये दिया गया कि आखिर किस तरह से उसकी रूपरेखा करनी है, मतलब किसी चीज़ को किस तरह से चलाना है, ठीक है। प्राथमिकता किस चीज़ पर देनी है, इस चीज़ पर दिया गया। उसके बाद फिर जब कमेटी बैठी, संसद लोग बैठे, तो बहुत मतलब गंभीरता से हर चीज़ के अध्ययन देखा गया कि हाँ किस चीज़ पर कैसे हमको चीज़ें करनी चाहिए, सुझाव सरकार को हम कैसा सुझाव देंगे, ये बात चली। उसके बाद फिर क्या कहा गया कि हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे कि शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करेंगे। हमेशा उन्होंने नेशनल यूनिटी की बात की, ठीक है, नेशनल यूनिटी की बात की कि सबसे पहले हम नेशनल यूनिटी बनाएंगे, बेस करेंगे उसको, अपना बेस बनाने के बाद सामाजिक में मतलब समानता प्रदान करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय एकता करेंगे, सामाजिक में समानता प्रदान करेंगे। और उसके बाद विद्यालयों का उसमें जितने भी हैं विद्यालयों को हम उसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसमें उन्होंने क्या कह दिया, उस समिति के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, नैतिक कार्यविन्ता, चरित्र निर्माण करना था, विज्ञान शिक्षा देना था, शोध अवसरों, इन सब चीज़ों पर क्या करना था उन्होंने प्रकट किया। उसके बाद क्या हुआ कि इतना तो सब कुछ ठीक था, फिर बात चली कि उनमें क्या चीज़ें हैं, किस तरह पे बल देना है, कौन सी चीज़ें ला के वहाँ रखनी है, ठीक है। तो फिर लास्ट में आप देखेंगे तो लंबी बहस चलने के बाद 24 जुलाई, सबसे नीचे देखिए 24 जुलाई 1968 को सरकार ने इस विधि की घोषणा कर दी, ठीक। तो 24 जुलाई 1968 को घोषणा करने की वजह से इसको कहा जाता है 1968 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कोठारी कमीशन के बाद ये घोषणा की गई थी 24 जुलाई 1968 को। फिर क्या हुआ कि अब हम बेसिक एलिमेंट देखेंगे, आखिर कौन कौन से वो बेसिक एलिमेंट थे जिस पे इन्होंने ये पॉलिसी बनाई। तो अगर हम देखें तो मेनली जो है शिक्षा नीति ने 9 पृष्ठों पर प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, नई बेसिक जो है वो नई मेन थी। पहला अगर हम बात करें कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय, तो कौन कौन सा महत्व विषय था, राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व की बात कर रहे हैं तो उनका ये था कि पहले स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, न्याय, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष आदि मूल्यों पर के विकास किया जाए। क्योंकि अगर हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यही बात हो जाती है कि वहाँ पे स्वतंत्रता, भाईचारा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम वहाँ पर किसी भी चीज़ का अगर हम कहते हैं डिफ्रेंशिएट करने लगे तो वो राष्ट्रीयता हुई ही नहीं। उसके बाद राष्ट्र एकता को सबसे अधिक महत्व मजबूत करने के लिए उसमें क्या किया गया, राष्ट्र को विकास करना होगा। जब हर कोई संस्कृति, राष्ट्रीयता, एकता के बारे में जानेगा तभी तो इन चीज़ों पर अपना पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस पर रखा गया। दूसरा उन्होंने क्या रखा, दूसरा उन्होंने रखा कि शिक्षा की व्यवस्था पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व। अगर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है तो ऐसे तो कोई भी सिस्टम चलेगा नहीं, उसमें क्या करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकार जितने भी हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना अपना योगदान देंगे, ठीक है, योगदान देंगे। जब ये दोनों क्या कहते हैं, इन दोनों पे अधीन रहेगा, मतलब इन ये दोनों अपने जब योगदान देंगे तभी तो वो चीज़ आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। जैसे कि आर्थिक पक्ष हो गए और भी जो पक्ष हो गए, जब दोनों पक्ष का एक साथ होगा तभी वो चीज़ आगे चल के प्रोसीड हो पाएगा।
फिर वो उसी में कहते हैं कि इसमें और क्या करेंगे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा नीति संस्थाओं इन सब चीज़ों को विश्वविद्यालयों को बनवाएंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिर स्टेट यूनिवर्सिटी इन सबको बनवाना, ठीक है। यहाँ तक कि क्या करना है कि जितने भी अनुसंधान है इंस्टीट्यूट हैं इंस्टीट्यूशन को बनवाना, और फिर क्या करना है कि जितना हो सके अपने ही में ही हम मतलब अपने यहाँ ही बनवाएं, ऐसा ना हो कि मतलब हमारे कम पड़ जाओ बाहर जाना पड़े। यहाँ तक कि उन्होंने बाहर के बच्चों के लिए भी क्या किया कि बाहर के लोग भी आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो कहते हैं कि शिक्षा के बजट पर कितना कम से कम व्यय देना चाहिए, तो वो कहते हैं कम से कम तो 6% व्यय देना ही होता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने बताया है कि राष्ट्र का महत्व क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम कम से कम अपने केंद्रीय बजट में से 2.9% व्यय तो देंगे ही, ठीक है, मतलब 6% जो है खर्च वो शिक्षा पे दिया जाए। चौथा पॉइंट वो क्या कहते हैं, चौथा पॉइंट वो कहते हैं कि पूरे भारत में संपूर्ण देश में कौन सी पॉलिसी लगनी चाहिए, 10+2+3। कहने का मतलब क्या है, 10+ का मतलब भी कि कक्षा 1 से लेके 10 तक का, ठीक, वो 10 हो गया आपका, कक्षा 1 से लेके 10 तक का वो क्या हो गया, वो 10 हो गया। उसके बाद फिर कक्षा जो 11 और 12 है ये क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद जो स्थानांतरीय शिक्षा होती है मतलब ग्रेजुएशन वाला वो 3, तो उसको लेके क्या गया 10+2+3, ठीक, तो ये वाली नीति यहाँ पे बनी, इसको यहाँ पे उन्होंने रखा। इसमें विशेष ध्यान देना होगा कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और बच्चों की तैयारी किस तरह से करवानी है, ठीक। उसके बाद प्रथागत छात्रों को वैव शिक्षा के मोड़ पर लाना, ठीक है, यही उनका पूरा कहने का मतलब था यहाँ पे कि 10+2+3 क्या है। फिर उन्होंने कहा, पांचवा पॉइंट उन्होंने रखते हुए कहा कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राथमिकता। कहने का ये मतलब है कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कैसे हम करेंगे, अनुच्छेद जो 45वां है, 45th आर्टिकल 45 कहता है कि क्लास 6 से लेकर 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम बच्चों को क्यों निःशुल्क शिक्षा देना चाहते थे, क्योंकि जिसे क्या कहते हैं, देश का हर नागरिक बेसिक तो एजुकेशन उसके पास होनी ही चाहिए, ठीक। फिर यहाँ हो गया उच्च शिक्षा मतलब इसको अच्छी, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि 10 वर्ष के अंदर आर्थिक का लक्ष्य, मतलब कि जब बच्चा उसको कर ले, तो उसको करने के बाद जब बच्चा 11 से 14 वर्ष की उम्र तक आए, ठीक है, तो उसको तो हम पहले तो देते हैं, उसके 10 साल के अंदर ही, 14 साल के होने के बाद, उसके 10 साल के अंदर ही, 14 साल के होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है, जब 24 का होने लगे, 24 के अंदर ही अंदर उसको हम कोई ना कोई एक ऐसा लक्ष्य दे दें कि जिससे वो क्या काम करें, अपना व्यवसायिक काम करें, या फिर यहाँ पे क्या वो बात करें, ठीक। तो 1968 में उन्होंने लगाया ये पॉलिसी, और फिर 1978 में वो कह दिए कि हम बच्चों को व्यवसायिक कार्यों के लिए भी करें प्रेरित। फिर उन्होंने छठवां पॉइंट क्या रखा, छठवां पॉइंट उन्होंने रखा है माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एवं अध्ययन। कहने का ये मतलब है कि अब माध्यमिक शिक्षा को, सेकेंडरी एजुकेशन को वो लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन भी दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, और अगर आने वाले समय में क्या करें कि 10 वर्षीय शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया जाए, ठीक, मतलब क्लास 10 तक, अगर पहले तो हम प्राइमरी दे रहे हैं लेकिन फिर क्लास 10 तक बच्चों को हम फ्री पढ़ाएं, ये बात हुई। फिर इसको 7वां क्या लगा, 7वां पॉइंट उन्होंने लिखा कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करना। तब नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र मतलब वो सूत्र होता है कि जिसमें हम मातृभाषा लेके चल रहे हैं प्लस इंग्लिश और साथ ही कोई भी, ठीक है, एक कोई और भी भाषा, तो वो त्रिभाषा सूत्र, मतलब बच्चे को तीन तरह की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। 8वां पॉइंट उन्होंने ये रखा कि भारतीय भाषाओं का विकास मतलब बच्चे को हिंदी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और संस्कृत, इसको ज़्यादा उनको शिक्षण देना चाहिए। फिर 9वां पॉइंट उन्होंने क्या रखा कि प्रथम 10 वर्ष शिक्षा में कार्य अनुभव एवं राष्ट्र सेवा का अनिवार्य।
शुरुआत के 10 साल तक उनको कार्य अनुभव, मतलब कि अब वो पढ़ाई कर लेते हैं तो पढ़ाई करने के बाद या फिर पढ़ाई कर ही रहे हैं तो उसमें भी तो उनको कम से कम शिक्षा का मतलब 10 वर्षीय शिक्षा का अनुभव या फिर कुछ सेवा आप उनसे करवाइए। सेवा कैसे आप करवाएंगे, जैसे बच्चे ने कुछ पढ़ा है तो वो दूसरे बच्चों को पढ़ाए तो क्या हो रहा है उसके माइंड में बैठ रहा है कि हाँ कैसे पढ़ाना है, वो समझ आए कि कैसे एजुकेशन लेनी है, मतलब देनी भी है, ले भी रहा है और फिर दे भी रहा है। 10वां पॉइंट कहता है कि प्रभावित प्रतिभावान छात्रों की पहचान। अब कैसे क्या प्रतिभावान छात्रों की पहचान यहाँ करेंगे कि ऐसे करेंगे कि अगर छात्रों की पहचान की जाए उसके बाद अगर उचित अवसर दिए जाने पर जब तक निर्धन छात्रों के आर्थिक सहायता दी जाए, मतलब अगर कोई बच्चे हैं और उनका आर्थिक पक्ष मजबूत कमज़ोर है ठीक, तो आप उनको फ्री में पढ़ाइए, और जिनका ठीक है तो आप क्या कीजिए कि उनको पढ़ रहे हैं अपना ठीक है, लेकिन जिनका कमज़ोर है आप उनको पढ़ाइए फ्री में। मतलब कि यहाँ कुल कहने का यही मतलब है कि निःशुल्क शिक्षा की ये बात चल रही है ठीक। पहले आप देखिए कौन कमज़ोर है उसको तो उनको आप फ्री में पढ़ाइए। फिर हम बात करते हैं 11वें पॉइंट की। 11वां पॉइंट कहता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन। यहाँ पे जो विश्वविद्यालय मतलब ग्रेजुएशन लेवल या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी लेवल हो, अगर विश्वविद्यालय स्तर की बात कर रही है तो वहाँ पे शिक्षा को कैसे दिया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, पत्राचार पकड़ रहे तो हर एक तरह की जानकारी दी जाए कि कैसे कोई प्रशासन संभालना है और कोई भी चीज़ें करनी है तो आपको वो कैसे करना होगा, कैसे आप कर सकते हो ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे आप उनको व्यावसायिक भी दीजिए। 12वां पॉइंट उनके व्यावसायिक की बात करता है। 12वां पॉइंट कहता है कि जो बच्चा है, बच्चे को आप पॉलिटेक्निक स्कूलों में ही विद्यालयों में ही पॉलिटेक्निक खोलिए, कुछ विश्वविद्यालयों में भी खोलिए, जिससे कि बच्चे को व्यवसायों का भी ज्ञान हो ठीक। फिर 13वां पॉइंट कहता है कि बच्चे को विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी प्रयास मतलब आप प्रशिक्षण दीजिए, तो उनको मतलब साइंस की फील्ड में बताइए कि कैसे अगर किसी चीज़ को इन्वेंट करना है वो किस तरह से ज़्यादा सोच के वो किस चीज़ को कर सकता है किस तरह से ठीक है, जिससे कि आगे अगर हमारे भारत में कोई भी चीज़ अगर खोज वोज करनी हो, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरीवन नो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फिर 14वां पॉइंट कहता है कि उच्च स्तर शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्माण। उच्च स्तर शिक्षा मतलब कि हाई एजुकेशन पॉलिसी ठीक। अगर कोई बच्चा हाई एजुकेशन ले रहा है तो उसके जो पाठ्यक्रम हैं वो किस तरह से रखे जाएंगे ठीक, और बच्चे को किस तरह से प्रोत्साहित करना है ये भी चीज़। फिर 15वां पॉइंट क्या है, 15वां पॉइंट है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षा प्रणाली में सुधार कैसे होगा, परीक्षा प्रणाली में सुधार ये होगा कि जैसे कि हम परसेंटेज देते थे कि आपका 89% आ गया, तो वहाँ पे आप CGPA वाला ये फॉर्मूला 9.8 आ गया, तो इससे आप परीक्षा प्रणाली में सुधार कीजिए। और फिर किसी भी तरह का मतलब क्या कीजिए आपकी, साथ ही अगर आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं तो क्वेश्चन बैंक उस लाइए, तो ये सब क्या हो रहा है कि आप एक परीक्षा प्रणाली में सुधार कर रहे हैं। बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, शिक्षकों के स्तर और शैक्षिक परीक्षा सुधार। कहने का ये मतलब है कि ऐसे एवं ही कोई टीचर आके नहीं पढ़ाएगा, जब तक उस टीचर को किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, जब तक वो टीचर प्रशिक्षित ना हो, ट्रेंड ना हो, तो उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं है। ट्रेंड टीचर जितना हो सके टीचर्स को ट्रेंड कीजिए कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके ठीक है। तो यहाँ पर कुल इसी की बात उठाई जा रही है, और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, साथ ही बच्चों के हर एक प्रश्न का वो उत्तर दे सके ठीक है। तो जो टीचर हो कैसा हो, बहुत प्रशिक्षित और अच्छा टीचर होना चाहिए। इसलिए जब कोई बच्चे शिक्षा की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको आप ट्रेंड कीजिए और प्रशिक्षण दीजिए और प्रशिक्षण में सुधार भी लाइए ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में ये देखिए 17 कहता है कि छात्र कल्याण योजना। छात्र कल्याण योजना जैसे कि छात्रावास हो, छात्रावास बनाइए, जैसे कि अगर कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें आप देखते हैं हॉस्टल्स लाइए, और हॉस्टल्स लाने के बाद आप क्योंकि बहुत दूर दराज से अगर बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो वहाँ हॉस्टल्स होना चाहिए ठीक, तो हॉस्टल्स लाइए और उनको निःशुल्क भोजन वोजन भी प्राप्त करवाइए। फिर 18वां पॉइंट है कि छात्रों के लिए खेल कूद का उत्तम व्यवस्था, मतलब कि एकेडमिक जो है करियर वो खेल कूद के लिए भी कीजिए, क्योंकि
वहाँ से क्या होगा कि खिलाड़ी निकल सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अपना अपना एक अलग अलग टैलेंट होता है। किसी को गेम में इंटरेस्ट होता है, किसी को म्यूज़िक, मतलब हर चीज़ में अपना फील्ड होता है। तो इसलिए आप खेल कूद भी रखिए, जिससे कि बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो सके। फिर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को क्या है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, बड़े लोग हैं, उनके लिए भी शिक्षा का कीजिए कि अगर उनको पढ़ना है तो आप उनको पढ़ाइए। किससे क्या होगा कि हमारे युवा तो पीढ़ी होगी ही समझदार और जानकार, साथ ही हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जितने प्रौढ़ व्यक्ति हैं, वो भी हमारे होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरह से दूर दराज का कार्यक्रम जो है वो बहुत फैलेगा। आकाशवाणी के जरिए आप कैसे कीजिए कि आकाशवाणी के जरिए आप पढ़ाई, मतलब समझ क्या कीजिए, एक तरह से प्रचार कीजिए, तो लोग जानेंगे, तभी वो आपके यहाँ की चीज़ें अटेंड करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है 20 पॉइंट कहता है कि संपूर्ण शिक्षा द्वारा भारतीय समाज की आधुनिकता, और 21 कहता है शिक्षा अवसरों की समानता की प्राप्ति। तो कुल मिलाकर ये दोनों क्या कहते हैं, ये दोनों जो हैं वो कहते हैं कि वो संस्कृत की बात करते हैं कि अगर हम पूरे संस्कृत को अपने साथ ले चलें, और संस्कृत के साथ साथ जितने भी समानता हम कैसे लाएंगे, समानता हम उस तरह से लाएंगे कि जितने भी पिछड़े अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनको भी शिक्षा देंगे, साथ ही साथ हर एक वर्ग के बच्चों को शिक्षा हम देंगे, चाहे वो बच्चा विकलांग ही क्यों ना हो, अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तभी भी उसको हम शिक्षा प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे समुदाय हमारा जो है मजबूत होगा, क्योंकि समानता से ही हमारा समुदाय मजबूत होता है। सो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ समानता कैसे होगी, हम बच्चों को जब छात्रवृत्ति देंगे, ठीक। सो थैंक यू गाइस।